हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ए सेमी इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्लीट वेल्ड पहले हम देखेंगे बट वेल्ड के फीचर्स उसके बाद हम देखेंगे फिलेट वेल्ड के फीचर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं बट वेल्ड के फीचर्स तो बट वेल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए दो मेटल पीस या फिर दो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स को हम प्रिपेयर करके इनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग टेक्निक आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड बट वेल्ड तो बट वेल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो मेटल पीस को इसको हम बोलते हैं पैरेंट मेटल तो पैरेंट मेटल जो है सिमिलर कॉम्पोजिशन का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक पैरेंट मेटल कार्बन स्टील का भी हो सकता है और दूसरा पैरेंट मेटल जो है माइल स्टील या फिर एसएस का भी हो सकता है तो इन दो पैरेंट मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिलर मेटल फिलर मेटल ऐसा मेटल है जिसको हम ऐड करते हैं वेल्डिंग के दौरान यानी कि फिलर मेटल को हम मेल्ट करते हैं विद द हीट ऑफ वेल्डिंग और ब्रेजिंग तो ये जो फिलर मेटल है एग्जाम्पल के तौर तो पर आर्क वेल्डिंग में हम यूज़ करते हैं ई सिक्स ज़ीरो वन ज़ीरो ई सिक्स जीरो वन थ्री इस टाइप के कॉम्पोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैरेंट मेटल तो जिस टाइप का पैरेंट मेटल रहेगा उसी कॉम्पोजिशन का जो है फिलर मेटल भी हम यूज़ करेंगे टू जॉइन द टू मेटल तो फिलर मेटल और बेस मेटल जब हमारा मेल्ट होगा तो एक और मेटल बनेगा उसको हम बोलते हैं वेल्ड मेटल तो वेल्ड मेटल क्या है जो भी मेटल मेल्ट होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्ड जो सॉलिड पार्ट होगा यानी कि जो डार्क रीजन होगा उसको हम बोलते हैं वेल्ड मेटल नेक्स्ट हम देखेंगे हीट अफेक्टेड जोन एच ए जेड का फुल फॉर्म है हीट अफेक्टेड जोन और इसको हम बोलते हैं एच ए जेड रीजन तो एच ए जेड रीजन एक स्मॉल पार्ट है या फिर एक स्मॉल रीजन है पैरेंट मेटल के अंदर ही जहाँ पे वेल्डिंग के हीट की वजह से कुछ मेटलर्जिकल चेंजेस होंगे मेटल के अंदर यानी कि इनके ग्रेन बाउंड्रीज और ग्रेन स्ट्रक्चर में जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा सो दैट स्मॉल रीजन ऑफ मेटल पीस आफ्टर वेल्डिंग इज कॉल्ड एच ए जेड रीजन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम देखते हैं वेल्ड जोन सो वेल्ड जोन का मतलब है उसके अंदर जो है हीट अफेक्टेड जोन भी रहेगा एज वेल एज वेल्ड मेटल भी रहेगा तो दैट कंप्लीट जोन इज कॉल्ड वेल्ड जोन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम देखेंगे रूट रूट एक ऐसा रीजन है या फिर ऐसा जोन है जहाँ से वेल्डर अपना वेल्डिंग को स्टार्ट करता है सो बेस पॉइंट ऑफ द वेल्डिंग हम बोलते हैं उसको रूट सो so, इसको हम बोलेंगे रूट नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्ड फेस वेल्ड फेस हम वेल्डिंग के सरफेस को ही बोलते हैं यानी कि जहाँ पे वेल्डिंग कंप्लीट होता है उस सरफेस को हम बोलते हैं वेल्ड फेस वेल्ड फेस के अपोजिट साइड रूट रहेगा और रूट के अपोजिट साइड हमेशा वेल्ड फेस रहेगा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम देखते हैं फ्यूजन लाइन फ्यूजन लाइन मतलब कि बाउंड्री है बिटवीन द हीट अफेक्टेड जोन एंड द वेल्ड मेटल सो वेल्ड मेटल और हीट अफेक्टेड जोन की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम देखेंगे टो टो क्या है टो बाउंड्री है बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड द पेरेंट मेटल ये जो पेरेंट मेटल है और ये जो वेल्ड मेटल है इनके बीच की जो बाउंड्री रहेगी उसको हम बोलेंगे टो टो जो है एक्चुअली वेल्डिंग के एंड में भी हो सकता है या फिर वेल्डिंग के सेंटर में भी हो सकता है मतलब कि अगर वेल्डर जो है दो रन से वेल्डिंग कर रहा है जैसे कि एक रन इस टाइप में किया नेक्स्ट रन यहाँ पे किया है तो इनका जो सेंटर लाइन होगा इसको भी हम बोलते हैं टो तो जो है डिफ्रेंशिएट करता है वेल्ड मेटल को और पैरेंट मेटल को सो दैट पार्ट या फिर दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज टो सो टो में ही जो है अंडरकट आने के चांसेस होते हैं अंडरकट एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि वेल्डर के गलती की वजह से ही होता है अगर वो लास्ट में जो है एकदम फास्ट रन करेगा तो डिप्रेशन हो जाएगा टो में तो उस डिप्रेशन को ही हम बोलते हैं अंडरकट तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस ऑफ़ वेल्ड मेटल या फिर इसको सिंपली एक्सेस वेल्ड मेटल भी बोलते हैं ये एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल जो है वेल्डिंग के फेस पे भी होगा और एज वेल एज वेल्डिंग के रूट पे भी होगा सम पार्ट ऑफ वेल्ड मेटल जो है हम इन दो पैरेंट मेटल के सरफेस के ऊपर एज वेल एज सरफेस के नीचे भी रखते हैं इनके प्लेन को जो है वो क्रॉस करेगा मतलब यहाँ पे इन दो पैरेंट मेटल के प्लेन को जो है ये क्रॉस करेगा सो so, एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल से जो है वेल्डिंग को स्ट्रेंथ मिलता है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल कितना रखना है वेल्ड फेस पे और रूट पे ये डिपेंड करता है मेटल के थिकनेस के ऊपर और इसको डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से फिट किया जाता है वेल्डिंग सिम्बॉल में वेल्डिंग सिम्बॉल जो है उसमें जो है आपको कितना रखना है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल ये दिया रहेगा एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल भी दिया रहेगा और कितना इन दोनों के बीच में रूट गैप देना है वो भी दिया रहेगा सो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ बट वेल्ड नेक्स्ट हम देखते हैं फिलेट वेल्ड के फीचर्स फिलट वेल्ड के फीचर्स भी जो है एज कम्पेयर टू बट वेल्ड एकदम सिमिलर होते हैं जैसे कि दो पैरेंट मेटल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ये दो पैरेंट मेटल को हम वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं फिलर मेटल फिलर मेटल को मेल्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेल्डिंग ब्रेजिंग और ब्रेस वेल्डिंग का टेक्निक ये जो पैरेंट मेटल है सिमिलर कॉम्पोजिशन के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन के यूज़ कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करने के बाद इस टाइप के वेल्डिंग को हम बोलते हैं फिलेट वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान जो भी फिलर मेटल और पैरेंट मेटल मेल्ट होता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन तो उस मेटल को हम बोलते हैं वेल्ड मेटल इस कंप्लीट डार्क रीजन को हम बोलेंगे वेल्ड मेटल आफ्टर वेल्डिंग एक स्मॉल रीजन होता है जो कि अफेक्ट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ वेल्डिंग तो हीट ऑफ वेल्डिंग से क्या होगा इसमें मेटलर्जिकल चेंजेस आएंगे कुछ के ग्रेन बाउंड्रीज और ग्रेन स्ट्रक्चर में सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज हीट इफेक्टेड जोन या फिर सिंपली इसको एच ए जेड रीजन भी बोलते हैं नेक्स्ट है फ्यूजन लाइन फ्यूजन लाइन जो है एक लाइन है जो सेपरेट करता है हीट अफेक्टेड जोन को और वेल्ड मेटल को दैट लाइन इज कॉल्ड एज फ्यूजन लाइन नेक्स्ट है वेल्ड जोन वेल्ड जोन एक ऐसा जोन है जिसके अंदर हीट अफेक्टेड जोन भी रहेगा और उसके अंदर वेल्ड मेटल भी रहेगा तो दैट कंप्लीट जोन इज कॉल्ड वेल्ड जोन नेक्स्ट है रूट रूट का मतलब है जहाँ से अपना वेल्डर जो है वेल्डिंग को स्टार्ट start करेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेल्डिंग इस कॉल्ड एज रूट रूट के अपोजिट हमेशा रहेगा वेल्ड फेस तो वेल्ड फेस क्या है सरफेस ऑफ द वेल्डिंग को हम बोलते हैं वेल्ड फेस नेक्स्ट है टो टो बाउंड्री है जो सेपरेट करता है वेल्ड मेटल को और पैरेंट मेटल को तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज टो एक और कंपोनेंट है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि फिलेट वेल्ड में दो टाइप ऑफ वेल्ड होते हैं एक होता है कॉनकेव वेल्डिंग और दूसरा होता है कॉन्वेक्स वेल्डिंग कॉनकेव वेल्डिंग में जो है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल नहीं रहेगा क्योंकि इनके अंदर जो है डिप्रेशन रहेगा सो so, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल को मेंशन नहीं किया है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स वेल्डिंग में ही होगा सो so, ये एक कॉन्वेक्स वेल्डिंग है सो so, यहाँ पे जो है आपको एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल दिखेगा सो एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल यहाँ पे ये रीजन है सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल सो ये भी डिपेंड करता है ऑन द डिज़ाइन क्राइटेरिया ओके थिकनेस के ऊपर मेटल के ऊपर और वेल्डिंग सिम्बॉल में जितना आपको एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल रखना है उतना ही एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल आपको रखना पड़ेगा एक वेल्डर को रखना पड़ेगा सो so ये थे कंप्लीट फीचर्स ऑफ फिलेट वेल्ड एज वेल एज बट वेल्ड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में